क्लास 9 बायोलॉजी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मैन्योर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैन्योर क्या होता है, बनता कैसे है, ये सॉइल या प्लांट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और टाइप्स ऑफ मैन्योर, कितने टाइप्स के मैन्योर हैं, हम उनको कैसे यूज करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, आज हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली व्हाट इज मैन्योर। सबसे पहले मैन्योर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मैन्योर होता क्या है, ठीक है। मैन्योर इज द डीकम्पोज्ड फॉर्म ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। मैन्योर क्या है? एक डीकम्पोज्ड फॉर्म है डेड प्लांट एंड एनिमल का। जितने भी डेड प्लांट और एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, एक टाइम के बाद डीकम्पोज्ड हो जाते हैं। और ये किसके थ्रू डीकम्पोज्ड होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो एक्टिविटी होती है उसके थ्रू ये डीकम्पोज्ड हो जाते हैं। डीकम्पोज्ड का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स पार्टिकल से सिंपल पार्टिकल्स में टूट जाना, ठीक है। तो इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी होती है वो इनको डीकम्पोज्ड कर देती है, डेड प्लांट और एनिमल को, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज्ड कर देते हैं वो फिर बाद में क्या बन जाता है, मैन्योर बन जाता है, वो न्यूट्रिएंट रिच बन जाता है और एज अ मैन्योर वर्क करता है। इट हेल्प रिच द सॉइल विद द एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड हेंस मेक द सॉइल फर्टाइल एंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। अब इसकी एक और बहुत अच्छी क्वालिटी है, जो मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक मैटर रिच होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच होता है। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सॉइल के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जब ये सॉइल में मिक्स होते हैं तो ये क्या बना देते हैं, सॉइल को फर्टाइल बना देते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। आप सबको पता है अगर सॉइल अच्छी होगी तो क्रॉप अच्छी होगी, ठीक है, हमारी जो फसल है वो अच्छी होगी। कब? जब हमारी सॉइल अच्छी होगी। और हमारी सॉइल अच्छी कब होगी? जब वो न्यूट्रिएंट रिच होगी, ठीक है। तो ये है मैन्योर, ठीक है। अब हम मैन्योर्स की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम सिंपल वे में बोले तो हम मैन्योर को नेचुरल फर्टिलाइजर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एज अ फर्टिलाइजर ही वर्क करते हैं। फर्टिलाइजर क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है ना, इम्प्रूवमेंट कर देता है। तो मैन्योर भी क्या कर रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं, तो वो भी एज अ फर्टिलाइजर वर्क कर रहा है, तो हम इनको नेचुरल फर्टिलाइजर बोल सकते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। और मैन्योर की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप इसको प्लांट में जब मिक्स करते हो, सॉरी, जब आप इसको सॉइल में मिक्स करते हो सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए, तो ये सॉइल पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालती। इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट सॉइल पर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ये सॉइल को क्या बनाती है, बल्कि मैन्योर क्या बना देता है सॉइल को, ह्यूमस प्रोवाइड करता है, ठीक है। सॉइल की जो ओपन मोस्ट लेयर होती है, ऊपर की जो लेयर होती है, हम उसको नॉर्मली ह्यूमस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें रिच अमाउंट में प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स और ये सब मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि मैन्योर एक तरह से सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा है। इसके अलावा मैन्योर में किसी भी तरह का केमिकल नहीं होता, तो ये प्लांट को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर आपको लगता है कि जो हमारी सॉइल है वो कम न्यूट्रिएंट वाली है, तो आप उसमें ज़्यादा मैन्योर भी ऐड कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा या कम मैन्योर आप ऐड भी करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी और इससे सॉइल के ऊपर कोई भी डायबिटिक इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये थे मैन्योर जो सॉइल को फर्टाइल बना रहे थे और न्यूट्रिएंट रिच बना रहे थे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैन्योर की। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैन्योर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोस्ट की। कंपोस्ट मैन्योर हम बनाते कैसे हैं, इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इसमें आपका जितना भी वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, उसमें आपका एनिमल वेस्ट भी आ गया, जिसमें आपका काउडंग आ गया, ठीक है, और आपका होम वेस्ट जो आपके घर से वेस्ट निकलता है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के पील निकलते हैं, सी वेस्ट वाटर जो निकलता है, ठीक है, ये सब आप एज अ वेस्ट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी जो वेस्ट निकलता है, ठीक है, एनिमल्स हस्बेंड्री में या एनिमल लाइव स्टॉक जहाँ पर है वहाँ पर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल मिलता है, तो इन सारे वेस्ट मटेरियल को मिला के, ठीक है, इसमें कुछ अनवांटेड प्लांट भी आ गए जो कभी कभी खेतों में उग जाते हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारे वेस्ट को मिला के क्या किया जाता है, एक पिट में भर दिया जाता है, एक गड्ढे में भर दिया जाता है और ऊपर से गड्ढे को ढक दिया जाता है, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी एक्टिविटी होती है और हमारा मैन्योर तैयार हो जाता है। मीन्स हमने क्या किया था, वेस्ट लिया, उसको पिट में भर दिया, वहाँ पर डिकम्पोजिशन हुआ और हमारा मैन्योर तैयार हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं कंपोस्ट और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंपोस्टिंग। अब हम बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट।
मिट्टी हमने कंपोस्ट बनाया, ठीक है, जब हम उसमें अर्थवर्म को ऐड कर देते हैं, जब हम उसको उसमें अर्थवर्म को ऐड कर देते हैं तो हम उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। हमने कंपोस्टिंग बनाई, पिट्स में अपना वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करा, ठीक है, इसके साथ साथ वेस्ट मटेरियल के साथ साथ हम उस पिट में क्या मिला रहे हैं, अर्थवर्म मिला रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। उस टाइप के मैन्योर को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। नाउ लास्टली ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर की अगर मैं बात करूँ तो नाम से लग रहा है ग्रीन, तो यहाँ पे हम मैन्योर बनाने के लिए ग्रीन प्लांट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स को उगाते हैं जो ग्रीन है, ठीक है, उन प्लांट्स को उगाने के बाद हम उनको प्लग कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, फिर उनको मिक्स करके सॉइल में दबा देते हैं। जब हम उनको सॉइल में दबा देते हैं तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है और क्या होता है, हमारा ग्रीन मैन्योर तैयार हो जाता है। हम उस मैन्योर को हम अपने फार्म एरिया में यूज़ कर सकते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये थे मैन्योर और उनके कुछ टाइप्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।